सिंपल सेंटेंस। आज हम आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें इज एम आर का प्रयोग होता है। इज का मतलब है, एम का मतलब है हाँ, और आर का मतलब है हन। इन वाक्यों में दिस, दैट, ही, शी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसमें इज का प्रयोग करते हैं। These, those, you, we, they जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसमें आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं सिंपल सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट सेंटेंस इज एहे मेज है। दिस इज अ टेबल। दिस जो कि सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और टेबल ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओहो लड़के हन, दे आर बॉयज। यहां पर हन आया है जो कि प्लूरल है, जिसके कारण यहां हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। तो ओहो लड़के हन, दे आर बॉयज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एहे कुर्सियां हन। यहां भी आप देख सकते हैं कुर्सियां हन जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस बनेगा दीज आर चेयर्स। तो इन तीनों सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि जिन वाक्यों में है आता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, जिन वाक्यों में हन आता है वहां हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव यानी ना वाचक वाक्य। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एहे मेज नहीं है। यहां हम जो नॉट वर्ड है, नहीं के लिए जो नॉट वर्ड का यूज है वो इज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं दिस इज नॉट अ टेबल। दिस जो कि सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और नॉट नहीं यानी नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगाया गया है और ऑब्जेक्ट है टेबल। तो ये सेंटेंस बनेगा दिस इज नॉट अ टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस इज ओहो लड़के नहीं हन, दे आर नॉट बॉयज। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि नॉट का प्रयोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब आर के बाद किया गया है, जिस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा दे आर नॉट बॉयज। एहे कुर्सियां नहीं हन, दीज आर नॉट चेयर्स। यहां भी आप देख सकते हैं नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब आर के बाद किया गया है। तो इन तीनों सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव यानी नावाचक वाक्य में नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम और आर, वो सब्जेक्ट से पहले लगाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं की एहे मेज है। यहां पर की, जिन वाक्यों में की वर्ड पहले आ जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि सेंटेंस में आप देख सकते हैं इज दिस अ टेबल। यहां देख सकते हैं आप कि इज पहले लगाया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट दिस और फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज की ओह लड़के हन और की यहाँ लगा हुआ है प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाएंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा आर दे बॉयज। तो इन दोनों सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि सिंपल सेंटेंस यानी इज एम आर वाले सेंटेंस अफर्मेटिव में किस प्रकार बनाते हैं, नेगेटिव में किस प्रकार बनाते हैं और इंटरोगेटिव में किस प्रकार बनाते हैं। यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अफर्मेटिव में फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ टेबल। यहां पर एक ऑब्जेक्ट यानी एक ही टेबल है जिसके लिए ए वर्ड का प्रयोग किया गया है।
दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अफर्मेटिव में सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि लड़के हन और कुर्सियां हन, यानी कि बॉयज और चेयर्स, जिनके लिए एस का प्रयोग किया गया है। अब आपको पता लग गया होगा कि सिंपल सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, और सिंपल सेंटेंस की ज्यादा पहचान करने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि सिंपल सेंटेंस में एक्शन के बारे में नहीं बताया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दे आर बॉयज, ओहो लड़के हन। यहां पर सिर्फ बॉयज के बारे में बताया गया है या बॉयज को इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो बॉयज हैं या ओहो लड़के हन, लेकिन यहां बॉयज के एक्शन के बारे में नहीं बताया जा रहा कि लड़के क्या कर रहे हैं। तो जिन सेंटेंस में एक्शन के बारे में नहीं बताया जाता वो होते हैं सिंपल सेंटेंस। अब आप सिंपल सेंटेंस के कम 20 वाक्य अपनी प्रैक्टिस बुक में बनाएं, जिससे कि आपकी सिंपल सेंटेंस बनाने में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम आपको वोकेबुलरी दिखा रहे हैं, जिस वोकेबुलरीज को पहले आपने याद करना है, जिसकी मदद से आपको सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। और वोकेबुलरी याद करने से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ ही साथ सिंपल सेंटेंस बनाना भी सीख जाएंगे। तो ये थे सिंपल सेंटेंस ऑफ इज एम एंड आर।